जय माता दी दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है कोई सपना आपको बहुत ही खास संकेत देने वाला होता है तो वहीं कुछ सपनों का हमारे वास्तविक जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है ये जरूरी नहीं है कि हमें सपने से सिर्फ शुभ संकेत ही प्राप्त हों कभी हम पर आने वाली विपत्तियों के संकेत भी सपने द्वारा मिल जाते हैं हर सपना उस व्यक्ति विशेष पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है लेकिन कौन सा सपना शुभ है और कौन सा नहीं इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में शिवलिंग या भगवान शिव या शिव से जुड़ी चीजों को देखने से उसका क्या मतलब होता है इसका आपकी आने वाली जिंदगी में क्या असर पड़ने वाला है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों सपने में शिवलिंग देखने का मतलब कैसा होता है इसका अर्थ क्या होता है या सपने में शिवलिंग के दर्शन हो जाएं या आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हों या उसकी पूजा आदि कर रहे हों ये सभी सपने बेहद दुर्लभ होते हैं ये सपने बहुत ही कम लोगों को आते हैं आपको बता दें कि इन सपनों के कई मतलब होते हैं वैसे तो शिवलिंग के सपने हर तरह से शुभ ही होते हैं ये हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के जन्म को लेकर भी आते हैं इसलिए सभी को अलग अलग शिवलिंग के सपने दिखाई पड़ते हैं आपको बता दें कि जिस किसी व्यक्ति को सपने में शिवलिंग दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है सपने में शिवलिंग देखने का संकेत उसके पूर्व जन्म के बारे में बताता है कि वह व्यक्ति पूर्व जन्म में शिव जी का भक्त था और व्यक्ति ने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पा लिए हैं और सपने में शिव जी का दिखना आपकी सभी समस्याओं के अंत का संकेत देता है वहीं इस समय से आपकी उन्नति का समय शुरू होने वाला होता है इसलिए शिवलिंग का सपना आना बेहद शुभ माना जाता है इसी प्रकार यदि आपको सपने में भगवान शिव जी के दर्शन हो जाएं, तो यह भी बहुत शुभ संकेत होते हैं क्योंकि देवताओं में शिव जी एक अलग ही स्थान रखते हैं यह बहुत ही भोले हैं देवों के देव महादेव हैं और कालों के काल भी हैं तो जब आप इनका सपना देखें तो यह शुभ माना जाता है लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार जब भी व्यक्ति ऐसे सपने देखे तो उसके बाद शिव जी की ध्यान या शिवलिंग की पूजा अर्चना करना शुरू कर देना चाहिए इससे आपको और भी लाभ मिलेगा सपने में शिवलिंग देखने पर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है उसके जीवन में जो नकारात्मकता होती है वह जल्द ही खत्म हो जाती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं इसके साथ ही साथ उसको हर कार्य में प्रगति, उन्नति मिलती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति सपने में शिवलिंग देखे तो यह उसकी बीमारी खत्म होने का संकेत होता है और जल्द ही स्वस्थ होने वाला है यदि आप सपने में किसी गंगा नदी के किनारे शिवलिंग को देखते हैं और उसके आसपास से पानी बहकर जा रहा है तो यह शिव जी की असीम कृपा को दर्शाता है यह आपके जीवन में आने वाले संकट और परेशानियों का अंत होने का संकेत होता है स्वप्न में शिवलिंग पर गंदा पानी फेंकना या शिवलिंग के आसपास गंदगी देखना तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में कोई गलत काम करने वाले हैं या कर चुके हैं और आप गलत दिशा में जा रहे हैं जिसकी वजह से शिव जी की कृपा आप पर रुकी हुई है और आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है सपने में अगर कोई शिवलिंग को टूटा हुआ देखे तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने ना की हो इसके अलावा अगर कोई सपने में शिवलिंग पर जल चढ़ाता हुआ देखे तो इसका यह संकेत होता है कि आपकी कोई शिव जी से मांगी हुई मुराद या मन्नत पूरी होने वाली है या आपने मन में कभी शिवलिंग की कोई पूजा सोच रखी हो और वह आपने ना की हो तो जल्दी आपको शिवलिंग की पूजा शुरू कर देना चाहिए इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां या दुख और तकलीफ होंगी वो जल्दी खत्म हो जाएंगी अगर सपने में आप ऐसा देखते हैं कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो और वह जल वापस काले रंग से निकल रहा हो तो यह सपना बताता है कि आप में फंसे हुए हैं और आपके जीवन में बेहद तनाव रहने वाला है ऐसा सपना देखने के बाद आप अपनी दिनचर्या को ध्यान रखें कि कहीं कोई आप ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे किसी का बुरा हो रहा हो इसके अलावा रोजाना शिवलिंग की पूजा आरती करें इससे बुरा असर जल्द ही खत्म हो जाएगा इसके अलावा अगर सपने में चांद आए तो यह भी बहुत शुभ माना गया है क्योंकि शिव जी के जटाओं में चांद होता है और सपने में चांद दिखने का मतलब अधिक ज्ञान की प्राप्ति होना चांद ज्ञान का प्रतीक माना जाता है इसलिए यह स्वप्न भी शुभ संकेत देता है अगर सपने में शिव जी का तांडव करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपकी हर समस्याओं का समाधान करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ जी को तो सभी देवताओं में सबसे बड़ा माना गया है और उनका सपने में आना बेहद शुभ होता है तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद